हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला E32 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते हैं और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद किस तरीके से काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड में आना है। फिर यहाँ पर आपको जो है साउंड का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, साउंड पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको साउंड के इस पेज में नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको जो है टच साउंड का ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो टच साउंड के सामने ये बटन दे रखा है, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट कर देंगे तो ये सेटिंग जो आपकी टच साउंड की डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद कैसे काम करती है, अब मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। तो जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कहीं पर भी टच करेंगे किसी भी ऑप्शन पर, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में कहीं पर भी आप किसी भी ऑप्शन को आप टच करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जो कि पहले आपका मोबाइल फ़ोन साउंड क्रिएट करता था पट पट का एक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा आपका मोबाइल फ़ोन, ये सेटिंग आपने जब डिसेबल कर देंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को जो है ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके इस फ़ोन में। ठीक है, कि कैसे आप जो है टच साउंड सेटिंग को जो है शॉर्टकट तरीके से अपने फ़ोन में ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि सेटिंग पेज ओपन करना है मोबाइल का। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, सर्च सेटिंग पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच साउंड। ठीक है, टच साउंड आपको जो है टाइप कर देना है, जो सेटिंग का नेम है वो आपको पूरा यहाँ पर जो है टाइप करना है। ठीक है, फिर नीचे की साइड में एक ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच साउंड का। ठीक है, जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको जो है डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को जो है इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाता है। ठीक है, जैसे ये मेरा फ़ोन जो है हाईलाइट कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है टच साउंड सेटिंग को ढूंढने का आपके मोटोरोला E32 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, आप इस तरीके से इस सेटिंग को जो है शॉर्टकट तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में ढूंढ सकते हैं।